हाँ जी दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पर आपको बताया था भाई कि Infinix की तरफ से एक फ्लैगशिप ग्रेड का फोन बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है Infinix Zero X। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपने हमारे शॉर्ट्स वाले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख रखूंगा भाई, वहां से जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं ऐसे आपको क्विक अपडेट्स देता रहता हूं। Infinix Zero X जो है, इस फोन के बारे में और सारी जानकारियां निकल के आ चुकी है। GSM Arena पर इस फोन के मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन लिस्ट हो चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी धमाकेदार फोन के बारे में, क्या-क्या स्पेसिफिकेशन यहां पर आपको मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर आ सकता है, कब इंडिया में आ सकता है, और बाकी जो सारी चीजें इस फोन के बारे में पता पड़ी है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। जैसा मैंने आपको बोला भाई कि फ्लैगशिप ग्रेड का फोन रहने वाला है, तो फ्लैगशिप ग्रेड की बिल्ड क्वालिटी भी यहां पर आपको मिलने वाली है। फुल ग्लास बिल्ड यहां पर आपको मिलेगा। जी हां, आगे पीछे दोनों तरफ आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा। अब कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है ये चीज अभी तक पता नहीं पड़ी है, लेकिन ग्लास प्रोटेक्शन जरूर से आपको मिलेगा आगे पीछे दोनों तरफ, और मेटल की यहां पर आपको फ्रेम मिल सकती है। मतलब जो बिल्ड क्वालिटी रहने वाली है वो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको मिलने वाली है। इन डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन भी काफी यूनिक इस फोन का लग रहा है। हालांकि जो डिजाइन पैटर्न है वो तो वैसा ही है जैसा आपको बहुत सारे फोन्स में मिलता है, लेकिन जो बैक में अभी तक डिजाइन पता पड़ी है वो काफी अलग टाइप की डिजाइन है। टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा दिया गया है रेक्टेंगल शेप में, उसी के अलावा Infinix की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। फ्रंट में अगर बात करें तो यहां पर आपको कर्व डिस्प्ले दिया गया है, टॉप लेफ्ट में पंचोल मिलता है, बारीक सा फोरहेड है, बारीक सी चिन यहां पर आपको मिलती है। एंड कलर्स की अगर बात करें तो एक व्हाइट कलर तो आपको मिलने वाला है, उसी के साथ में और एडिशनल कलर्स यहां पर आपको मिल सकते हैं। लेकिन बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस यहां पर डेफिनेटली मिलने वाला है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में Infinix की तरफ से काफी बढ़िया यहां पर काम किया गया है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि इस फोन के अंदर धमाकेदार डिस्प्ले आपको मिलने वाला है भाई। 6.67 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलेगा। अच्छी बात है भाई, साइज अच्छा दिया गया है, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन भी मिलेगा। ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि Infinix के फोन्स में जनरली हमको HD प्लस मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल HD प्लस भी मिलेगा। और इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको सुपर AMOLED पैनल मिलने वाला है। जी हाँ, 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला सुपर AMOLED पैनल मिलेगा। वहीं पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी यहां पर आपको मिलने वाला है। मतलब डिस्प्ले यहां पर आपको नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है भाई। Infinix की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया दी गई है। 19.5:9 का आपको एस्पेक्ट रेशो मिलेगा, 403 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगी, एंड यहां पर आपको वाइड वाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी चाहे कंटेंट वॉचिंग करनी हो, चाहे आपको गेम खेलना हो, दोनों के लिए काफी बेहतरीन मिलते हैं। एंड कर्व डिस्प्ले यहां पर दिए गए हैं, जो कि आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस भी देते हैं, तो डिस्प्ले क्वालिटी से यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें भाई, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio G95 चिपसेट। अब यहां पर अगर देखा जाए कि G95 चिपसेट आपको किसी और फोन में अगर मिलता तो ऐसा लगता भाई कि बहुत अच्छा सा चिपसेट दिया गया है, लेकिन इस फोन के अंदर G95 एक वीक चिपसेट लग रहा है, क्योंकि बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस काफी धमाकेदार मिलते हैं। G95 जो चिपसेट है 12 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, तो थोड़ा सा गर्म भी होता है, थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंसी का इशू रहता है यहां पर, लेकिन गेमिंग ओरिएंटेड चिपसेट है और परफॉर्मेंस आपको अनमैच्ड देता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। यहां पर आपको 2.05 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, यहां पर 2 A76 वाले कोर्स मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स मिलते हैं, जो कि डे टू डे की परफॉर्मेंस को मस्त बना देते हैं। और गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए आर्म वाली G76 MC4 GPU मिलता है, जो कि क्वाड कोर GPU है और धमाकेदार गेमिंग परफॉर्मेंस देता है। तो यहां पर आपको ना तो डे टू डे की परफॉर्मेंस में दिक्कत आने वाली है, ना आपको गेमिंग ग्राफिक्स में दिक्कत आने वाली है। साथ ही में LPDDR4X RAM भी मिल जाएगी और UFS 2.1 वाला स्टोरेज मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस में आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। यहां पर आपको 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलने वाला है, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 108 मेगापिक्सल का,
जी हाँ, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। अब यहाँ पर आपको OIS मिलता है या नहीं मिलता है ये चीज नहीं बताई गई है, बट आई डोंट थिंक इन्फिनिक्स अभी इतना दूर जाने वाला है कि कैमरा में आपको OIS मिलने लगे। मेरे हिसाब से 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा यहाँ पर रहेगा, उसी के साथ में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है, जो कि 135mm की फोकल लेंथ के साथ में आता है। तो जो सेकेंडरी कैमरा है वो काफी बढ़िया दिया गया है, 5x ऑप्टिकल जूम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरा कैमरा काफी अच्छा लगाया गया है, एंड 8 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा यहाँ पर दिया गया है, जो कि अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेने के लिए काम आने वाला है। 120-125 डिग्री पर आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स ले पाएंगे, तो काफी अच्छा कैमरा सेटअप यहाँ पर मिल रहा है भाई। मतलब वो 2-2 मेगापिक्सल के छोटू बिना काम के मैक्रो कैमरा, डेप्थ सेंसर या AI सेंसर, ये फालतू के कैमरास नहीं डाले गए हैं, 3 कैमरास लगाए हैं, तीनों कैमरास धमाकेदार लगाए गए हैं। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पर, एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। जी हाँ, 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको मिलेगा, और सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करें, धमाकेदार कैमरा सेटअप दिया गया है। अब भाई बात करते हैं बैटरी के बारे में, क्योंकि इस फोन के अंदर जो बैटरी मॉड्यूल दिया गया है, आई डोंट थिंक कि इतना बढ़िया बैटरी मॉड्यूल आपको अभी तक किसी भी फोन में देखने के लिए मिला होगा। मैं बढ़िया नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन इतना धमाकेदार बैटरी मॉड्यूल आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला होगा, क्योंकि यहां पर आपको 4000mAh की बैटरी दी गई है। तो आप बैटरी का साइज तो भाई थोड़ा सा कम आपको लग सकता है, क्योंकि 5000, 6000, 7000 के बैटरी आजकल कॉमन हो गए हैं। तो 4000mAh की बैटरी यहां पर दी गई है, जो कि डिसेंट साइज की बैटरी है, लेकिन 160 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, एंड 160 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। आई मीन दिस इज इनसेन, मतलब 160 वॉट की चार्जिंग, 0 से लेके 100% आपका फोन मात्र 10 मिनट में चार्ज हो जाएगा भाई, तो काफी ज्यादा फास्ट चार्जिंग है। अब कितनी ऑप्टिमाइज्ड है, बैटरी को कितना इम्पैक्ट करती है, ये चीज अभी तक पता नहीं पड़ी है। इसीलिए भाई मैंने अपने आप को करेक्ट किया था कि मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत बढ़िया मॉड्यूल दिया गया है, बहुत धमाकेदार मॉड्यूल दिया गया है, क्योंकि भाई चार्जिंग धमाकेदार जरूर से दी गई है, लेकिन भाई वो प्रैक्टिकली कैसी परफॉर्म करती है ये चीज अभी देखना बाकी है। लेकिन 4000mAh की बैटरी, 160 वॉट की वायर्ड चार्जिंग, 0 से लेके 100% तक आपका फोन 10 मिनट में चार्ज हो जाएगा, एंड 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी यहां पर आपको मिलने वाली है। मतलब दिस इज अ क्रेजी बैटरी मॉड्यूल, बैटरी का साइज डिसेंट है, क्रेजी इंसेनली फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है, फास्ट वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलती है, तो बैटरी मॉड्यूल में कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का खड्डा, 3.5mm का जैक, ऐसा लग रहा है कि इस फोन में नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, अभी तक जितनी इमेजेस निकल के आई हैं, आइड साइड ऊपर नीचे सब तरफ से मैंने देखा भाई, आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको 3.5mm जैक मिलने वाला है। लेकिन सस्पेंस ये है कि ये जो इमेज आप देख रहे हो, इसमें भाई ऊपर की तरफ से इमेज नहीं बताई गई है। शायद कभी इन्फिनिक्स को ऐसा लगे भाई तो ऊपर की तरफ हमको 3.5mm का खड्डा दे दिया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से चांसेस कम है कि 3.5mm जैक इसके अंदर मिलेगा। उसी के अलावा अगर बात करें, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, सारे मतलब कुछ कमी आपको नहीं होने वाली है, सारे सेंसर दे दिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा आपको XOS 7.6, ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, एड्स मिलते हैं, एंड काफी अनॉइंग एक्सपीरियंस रहता है। तो इन्फिनिक्स को इतने अच्छे लेवल्स के फोन में अपना जो UI है उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा भाई। बाकी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं XOS के अंदर, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहता है ओवरऑल सॉफ्टवेयर वाला वो यहाँ पर अच्छा नहीं रहता है। तो लेट्स सी भाई इन्फिनिक्स इस फोन के लिए कुछ स्पेशल करता है या वही ब्लोटवेयर्स एड्स वाला XOS 7.6 हमको मिलता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में भाई यहाँ पर शायद आपका एक्सपीरियंस उतना बेटर ना रहे। इसी के अलावा अगर बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, एंड डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट भी आपको इस फोन के अंदर मिल सकता है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज अगर देखा जाए तो लिटरली धमाकेदार फोन है, लिटरली धमाकेदार। और किसी फोन में अगर उसका चिपसेट सबसे ज्यादा वीक आपको लग रहा है, मतलब आप सोच सकते हो किसी फोन में आपको G95 चिपसेट अगर वीक लग रहा है, तो आप सोच सकते हो भाई दूसरे स्पेसिफिकेशंस कितने तगड़े वहां पर दिए गए हैं। ओवरऑल सारे स्पेसिफिकेशन धमाकेदार हैं, एंड वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 6+128 और 8+256, दो वेरिएंट्स में ये फोन लॉन्च हो सकता है।
प्राइस पॉइंट के बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, कोई लीक्स नहीं है, कोई र्यूमर्स नहीं है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं भाई कि आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ऐसी स्पेसिफिकेशन, ऐसी धमाकेदार स्पेसिफिकेशन के साथ में इन्फिनिक्स की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए इन्फिनिक्स को ये वाला स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।